हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए बच्चों की क्रॉप टॉप बेसिकली छोटी सी जैकेट बनाना बताती हूँ आपको। ये मैं जो है कम से कम 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। और इसमें मैंने जो फंदे डाले हैं वो 90 फंदे डाले हैं, 94 बेसिकली डाले हैं इसमें मैंने। और अब आपने इसका जो है बॉर्डर बनाना है, कम से कम 12 सलाइयों का बॉर्डर बनेगा। उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। ये हम छोटे बच्चे का जैसे जैकेट्स या क्रॉप टॉप टाइप वो पहनते हैं वैसे बता रही हूँ मैं आपको, वो है ये। आप इसका बॉर्डर बनाइए। ये मैंने फंदे डाले हुए हैं, बॉर्डर आपको पता है, वैसे तो आपको पता है बॉर्डर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधे का डलेगा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधे, इस तरीके से करके जो है आप इसका बॉर्डर बनाइएगा। और 12 सलाइयाँ, 12 से 14 सलाइयाँ जितने भी आपको ठीक लगे, 12 सलाइयाँ या 14 सलाइयों का बॉर्डर बनता है। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे के रिब आपने पूरे दोनों तरफ से आपने ऐसे ही करना है और बॉर्डर बनाना है। ये जैकेट की, बेबी जैकेट की मैंने बॉर्डर बना लिया, ये देखिए। और उसके बाद आप इसे इतना बॉर्डर बना दीजिए। और इसके बाद आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन डालिए या प्लेन चढ़ाइए। डिज़ाइन डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों के हिसाब से। जाली वाला डिज़ाइन कोई डाल दीजिए जो जैकेट पे अच्छा लगेगा। और इसे आप इसकी लंबाई पूरी होने तक जो है बनाइएगा। बेसिकली ये एक स्क्वायर पीस ही बनाना है, वो मैं आपको बताऊँगी उसके बाद क्या करना है। देखिए ये मैं इसे बनाती जा रही हूँ, मैंने इसमें डिज़ाइन डाला हुआ है बेबी जैकेट जो है मैं आपको बता रही हूँ। इसे हम अभी, अब आप चाहे तो प्लेन रख लीजिए या डिज़ाइन डाल लीजिए। इसे हम अभी एटलीस्ट 10 से 12 इंच, एटलीस्ट 10 इंच तो हम इसे बनाएंगे। उसके बाद फिर हम अगेन इसका ये है बॉर्डर बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ से ये टोटल जो है 12 इंच का होना चाहिए। वैसे आप अपने बच्चे, जो भी आपके बच्चे होंगे, उन्हें पीछे से उसे नाप के आप इसे बनाइएगा। तो ये डिज़ाइन अभी मैं इसे चढ़ाती जाऊँगी। देखिए ये मैंने बना लिया है, ये मैंने इस पर डिज़ाइन डाला है। और कम से कम ये मैंने यहाँ से नीचे से जो है ये 8 इंच है। अब ये 2 इंच का बॉर्डर बनेगा तो ये टोटल में है जो है 10 इंच का हो जाएगा। अब मैं इसका जो है, जैसे मैंने ये बॉर्डर यहाँ पे बनाया है वैसे ही मैं जो है इतना बनाने के बाद इसका यहाँ पे बॉर्डर बनाऊँगी। और उसके बाद बताती हूँ कि इसे किस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये मैंने बना लिया। ये पहले मैंने 12 सलाइयों का बॉर्डर बनाया है, उसके बाद मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ बच्चे का जैकेट। और इसके बाद यहाँ तक बना के 8 इंच लंबा बना के, ये मेरे कम से कम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए है। इसके बाद ये फिर मैंने ऊपर बॉर्डर बना लिया। और अब मैं इसे आपको बताऊँगी कि जैसे मैंने ये आपको बंद करना, ये बॉर्डर बताया था, अब ये गले पे जो है मतलब ऊपर कैसे आएगा ये बॉर्डर, ये मैं आपको बता देती हूँ। और ये मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन भी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो ये बच्चे का बेसिकली जैकेट बनेगा। ये इतना चौड़ा सा आपने एक बच्चे का, बेसिकली आप बड़े का भी बना सकते हैं, चाहे तो लड़कियों का बना सकते हैं, बड़ी लड़कियों का। आपने एक चौरस जो है ये बनाना है चकोर। और उसके बाद क्या करना है आपने, आपने ये ऐसे रख के ये और ये, ये और ये सिर्फ इतना इतना आपने जोड़ना है। तो ये जो है एक जैकेट नुमा जो है शर्ट टाइप, बेसिकली जैकेट नुमा जो है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बन जाता है। तो पहले आप इसका बॉर्डर बनाएंगे 12 सलाइयाँ, उसके बाद डिज़ाइन चाहिए। ये देखिए जैकेट मैंने बना ली। और अब मैं इसे ये सुई से बंद कर देती हूँ और आपको बताऊँगी कि इसे किस तरीके से ये चकोर जो पीस है आपका, ये जो है जैकेट की तरह पहना जाएगा बच्चों की। तो मैं आपको बंद करके अभी बता देती हूँ। ये बच्चे क्या है, बड़े क्या है, ये बड़े के भी लिए भी बना सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि हमने जो है फंदे उनके लिए बड़े डालने हैं, बड़ों के लिए। तो बंद करना, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है बंद कैसे करते हैं, तो इस पर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हम सुई से बंद किस तरीके से करते हैं। ये देखिए ये हमने नॉर्मल बुना है और हमने एक एक फंदा इसमें डाला है, एक फंदा इस सिलाई पे डाला हुआ है। और
जैसे मैंने आपको ये वाले बताई थी डबल वाली कि एक फंदा बुनना है एक नहीं बुनना, उसी तरीके से चार सिलाइयाँ कर दीजिएगा बॉर्डर की, एक बुनना है एक नहीं बुनना, पलट के जो नहीं बुना था उसे बुनना है और दूसरे को बुनना है। अब इसे फिर हम दो सिलाइयों में कर देते हैं, जितना ये बॉर्डर था उसे मैंने एक फंदा इसमें, एक फंदा इसमें, एक फंदा इसमें, एक फंदा इसमें करके मैंने किया है। तो अब आप देखिए कि इसे मैं किस तरीके से जो है सुई से बंद करती हूँ, तो ये वैसा ही बॉर्डर आएगा जैसे डबल बॉर्डर होता है। ये आप गले में किसी में भी इसे बना सकते हैं। आप ये फंदा इस तरीके से डाल दीजिए और इसे निकाल दीजिए, यहाँ से ऐसे डालना है। और इसमें से इस तरीके से ये फंदा ऐसे उतारना है और इसमें से सिर्फ धागा आपने निकालना है। ये अभी वो फंदा आपने उतारना नहीं है, ये फंदा आपने उतारना है ये वाला, और धागा यहाँ से डालना है। इस फंदे को ऐसे करके उतारना है आपने और धागा इस तरह से डालना है। अगेन ये ऐसे उतारेंगे, आप इसे उतार देंगे और इसमें से धागा डालेंगे और अब इसे उतारेंगे और इसमें से डालेंगे। सारी जो है आपने इसी तरीके से करनी है, तो ये आपका जो है डबल बॉर्डर जैसे होता है वैसे ही बनता जाएगा। थोड़ा धागा जो है आप खींच के रखिएगा, ये देखिए ये डबल बॉर्डर की तरह बंद हो रहा है। पूरा जो है आपने इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से आप सिलेंगे तो ये डबल बॉर्डर की तरह जो है बंद हो जाएगा। धागे का ध्यान रखिएगा, थोड़ा खींच के रखिएगा। इस तरीके से आप किसी में भी कर सकती हैं, अगर आप गले की पट्टी जब बनाती हैं तब भी आप ऐसे ही कर सकती हैं इसे। बस आपको ऐसे ही करते जाना है। तो ये आपकी जो है डबल पट्टी जो हमने जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, ये उसी तरीके से जो है ये आपकी डबल पट्टी आएगी। सारी सिलाई आपने जो है इसी तरीके से बंद करनी है। ये देखिए ये सिल लिया है, ये डबल बॉर्डर की तरह आ जाता है। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप छह सिलाइयाँ ऐसा करके सिल दीजिए, इसे चार सिलाइयाँ कीजिए। आप देखिए क्या करते हैं, आप जो है ये एक बेसिकली ये देखिए ये एक स्क्वायर जो है बन गया है। आप इसे जो है हम इस तरीके से जोड़ेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन हम जोड़ेंगे, इतना सिर्फ ये छोड़ देंगे हम, और इस तरफ से भी हम सिर्फ ये पोर्शन जो है जोड़ेंगे। ये देखिए ये अब हमें इस तरीके से जोड़ना है, ये हमें ये पॉइंट्स जोड़ने हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये बॉर्डर जोड़ना है। यहाँ से मैंने जोड़ लिया,
अब यहाँ से मैं आपको जोड़ना बता देती हूँ। जोड़ना वैसे ही है जैसे आपने पहले भी जो है मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से सुई से आप इन्हें जोड़ेंगे। देखिए इन्हें आप ऐसे रखेंगे और इसके सेंटर में से ऐसे लेंगे आप। अब ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है इसके जो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये देखिए ये लाइन, इसमें से लेना है आपने इस तरीके से। और ये पहले फंदे में से, फंदे के जो बाद में जो ये लाइन आती है ये, इसे लेना है इस तरीके से। ये देखिए ये धागा इसके बीच में से आ रहा है, ये लीजिएगा ऐसे खींचिएगा उसे। इसी तरीके से यहाँ से भी ये आ रहा है, ये देखिए ये देखिए धागा खींचते जाइएगा तो ये सिलाई जो है प्रॉपरली हो जाती है। ये देखिए ये ये सारा आपने इसी तरीके से बंद करना है, सिर्फ बॉर्डर। ये देखिए हम एंड में आ गए बॉर्डर के। बाबे ने यहाँ पे बंद कर दीजिए। ये देखिए ये सिल दिया आपने, ये नहीं सिला आपने, बेसिकली यही सिला है। तो ये जो है ये इस तरीके से जैकेट बन गई है। ये देखिए बच्चे के बाँह जो है यहाँ से निकलेंगी, ये दोनों साइड से, ये इसके गले का पोर्शन और ये बैक पे आएगा ऐसे करके। तो इस तरीके से जो है ये आपकी बच्चे की जैकेट बन गई है ऐसे। ये देखिए है ना सिंपल और आसान सी जैकेट, जस्ट एक है। और बच्चे की जैकेट बच्चे की बना ले, बड़े की बना ले, किसी की भी आप बना सकते हैं जिसकी भी आपको ठीक लगे। ये देखिए ये जो है छोटी सी जैकेट जो बच्चे पहन सकते हैं, आजकल अच्छा लगता है बच्चों को नया नया चीज़ें नई अलग अलग पहनने, ये बच्चे की जैकेट बन गई। बड़े की भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।